अंग्रेजी अखबार के शब्द वर्ड फ्रॉम इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हमने शुरू किया है। इसमें हम लोग 3 वर्ड्स डेली लेंगे और आपको ये बता दें कि हम लोग हिंदी भाषी लोग इंग्लिश सीखने के लिए जनरली क्या करते हैं। हमारी स्ट्रेटजी होती है कि 2-3 महीना कहीं कोचिंग कर लो और इंग्लिश सीख लो, और कोचिंग भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हालत वही की वही रहती है। इवन हमने देखा है कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है, जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम है, वो भी इंग्लिश नहीं बोलते। उसकी एक वजह क्या होती है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते और डेली लाइफ में उसको यूज नहीं करते। अब आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप 5 मिनट भी अपने पूरे दिन का निकाल लेते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो सकती है। और जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है कि आप 2 महीने में फटाफट इंग्लिश बोले, ऐसा कभी होता नहीं है। लोगों ने 2-3 महीने की कोचिंग बहुत कर ली। तो देखिए, इस प्रोग्राम में क्या है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर से बेहतरीन अब यह है कि एक सामान्य शब्द आपके पास है, सामान्य बोलचाल की भाषा में जो वर्ड इस्तेमाल आप करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड शब्दों की कमी है। तो उस स्टैंडर्ड शब्द कहाँ से आएंगे? वो इंग्लिश न्यूज़पेपर से आएंगे। क्योंकि देखिए, बड़े शहर में स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी भी हो इंग्लिश भी हो, और उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, इसलिए देखिए वो लोग आगे निकल जाते हैं। इवन IAS में, PCS में और CDS NDA में जो इंग्लिश आता है वो इसी लेवल का आता है। तो मैं आपको ये कहूँगा, आगे आर्मी पुलिस में भी आते हैं तो क्वेश्चन जो है ना सामान नहीं होते हैं। जितने भी आपको क्या कहते हैं अपोजिट वर्ड आता है, सेम काइंड ऑफ वर्ड्स आते हैं, सारे इसी इंग्लिश न्यूज़पेपर से आते हैं। तो हमने सोचा कि इसको शुरू करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये 2-3 मिनट का डेली रहेगा और ये वीडियो 3 मिनट की मैक्सिमम होगी, लेकिन 5 मिनट आप डेली दीजिए इंग्लिश पे, 3 शब्द ही सीख लीजिए, आप बहुत आगे निकल जाएंगे, आपकी इंग्लिश बहुत बेहतरीन हो जाएगी, आप स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए, आप सबका पुनः स्वागत है। तो पहला जो वर्ड है पेट्रोल, PATROL, पेट्रोल, गो ऑन राउंड, रात्रि में पहरा देना, गश्ती लगाना। जो आपने देखा है कि पुलिस जो है ना गश्त लगाते हैं, तो इसको कहते हैं पेट्रोल, पेट्रोल्ड मतलब गश्ती लगाया। और एग्जाम्पल के तौर पे है सम मिस्क्रिएंट्स लॉब 2 बम्स ऑन द पुलिस पेट्रोलिंग। जो ये है, पुलिस से जो गश्त लगा रही थी उस पर कुछ बदमाशों ने 2 बम फेंका। तो इस अब ये है कि इस पे आप और भी सेंटेंस बना सकते अपने अकॉर्डिंग, इसमें आप सुधार कीजिएगा, एक सेंटेंस जरूर बनाइए इसी पे और बार बार इसको एटलीस्ट इस सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए। सेम वर्ड्स न्यूज़पेपर से निकाला हुआ वर्ड है एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, फो, हैट्रेड। एनमिटी का मतलब शत्रुता, दुश्मनी। अब प्रीवियस एनमिटी, पुरानी दुश्मनी, पुरानी रंजिश। प्रीवियस एनमिटी वॉज स्टेटेड टू बी रीजन बिहाइंड दिस किलिंग, किसी भी इस हत्या के पीछे, प्रीवियस जो है पूर्व में, हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताया गया है। इस तरह के काफी स्टेटमेंट आते हैं, प्रीवियस एनमिटी वॉज स्टेटेड टू बी रीजन बिहाइंड दिस किलिंग। तो आप इससे रिलेटेड एक एक जो है सेंटेंस जरूर बना करके कॉमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। और उसके बाद है रीडल, रीडल है, पंप है, स्लैम है, टू हिट है। इसका मतलब है भेदना, मारना, मारपीट करना। रीडल का मतलब भेदना, मारना, और गोली मार डालने को भी कहते हैं भेद डालना। रीडल, पंप, स्लैम द बुलेट मतलब गोली मार डालना। अब आप इस पे एक सेंटेंस बना के कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, हम आपको देते हैं। जैसे अपराधियों के सीने में 2 गोलियां उतार दी, ठीक है, इसका आप 3 गोली छाती में और पेट में लगी, ठीक है, इसको आप इंग्लिश में करें क्रिमिनल्स रिडल पंप 2 बुलेट्स इन द चेस्ट ऑफ द ट्रेडर, व्यापारी के चेस्ट में 2 गोली लगी, ठीक है, तो इसको आप बनाएंगे। और एक है, एक और वर्ड आप जान लीजिए, आज थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा हूँ, 3 से ज़्यादा नहीं बताएंगे। क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक, नाजुक हालत, हालत नाजुक होना, क्रिटिकल, ठीक है। और पॉइंट ब्लैंक रेंज,
क्लोज रेंज यानी काफी नजदीक से सटा कर मारा, ठीक है, काफी नजदीक से। इसका मतलब है पहले सेंटेंस को आप मिलाइए, क्रिमिनल निडल टू बुलेट्स इन हिज चेस्ट टू पॉइंट ब्लैंक रेंज, टू पॉइंट ब्लैंक रेंज, ठीक है, मतलब यह है कि बहुत नजदीक से उसने बंदूक मारा। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इसको आप जरूर करिए। कल से ज्यादा लंबा होगा नहीं, तीन, बस आज बताने में टाइम लग गया, तीन वर्ड दूंगा और तीन वर्ड को डायरेक्ट आप डेली आप इस काम को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसी को आप प्रैक्टिस करें, बार बार सुने, कम से कम 5 मिनट अगर आप देंगे तो आने वाले 6 महीने में आपकी इंग्लिश बहुत मजबूत हो जाएगी। तो कमेंट में प्रैक्टिस करें सेम वर्ड्स को और कमेंट बॉक्स में भी आप लिखें। थैंक यू ऑल।